नमस्कार, मैं उस्मान आपके साथ और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता न्यूज। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट के बाद सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल की बैठक में मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में 2 दिन के लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। जी हां, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र में शनिवार और रविवार 2 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक करते हुए 2 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर विस्फोटक होती जा रही है। एक दिन में यहां पर महामारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी शहरी इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इससे पहले शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लागू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में 2 दिन तक सब कुछ बंद करने का फैसला लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह कभी नहीं चाहते थे कि राज्य में पूर्णबंदी हो, लेकिन बेकाबू हालात के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में पूर्णबंदी की गई है। छिंदवाड़ा, शाजापुर समेत अन्य जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है। छिंदवाड़ा में अगले 7 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन लागू है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। बाकी जिन शहरों में संकट पेशेंट्स की संख्या का बढ़ा है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके वो आवश्यक और उपयुक्त फैसला करेंगे। हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे हैं।